हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन, क्या और कहाँ। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन जो है यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, या फिर नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक कौन है, थल सेना का अध्यक्ष कौन है, या फिर BSF का महानिदेशक कौन है। यहाँ से मतलब जो नियुक्ति होती है ना, एक क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड जरूर आता है। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर होता है उसमें। ओके, और अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो उसके लिए उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि लोकसभा का नया अध्यक्ष कौन है। तो ये सारी चीजें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा जो है करंट अफेयर जो है हम टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे युद्ध अभ्यास पूछे जाते हैं, एक एक जो नंबर के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो अलग अलग देखेंगे कि जो जो टाइप बनता है वहां से, जैसे बैंकों के प्रमुख पूछ लिए जाते हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पूछ लिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो भी सेक्रेटरी जनरल वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो भी है करंट से रिलेटेड वो सारे जो है टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। ओके, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो यही है कि कौन, क्या और क्या कहाँ की, मतलब कौन क्या है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, मतलब नियुक्ति से रिलेटेड पढ़ेंगे सारी चीजें हम। तो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया है वो राष्ट्रपति के बारे में दिया गया, जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ओके, संवैधानिक पदाधिकारी ये होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। किस नंबर के हैं? 14th। ओके, 14th जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? रामनाथ कोविंद। फिर आता है 13th वाइस प्रेसिडेंट कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। और 15th प्राइम मिनिस्टर, 15वें प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ओके, देखिए ये तो सभी को याद होते हैं, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है ये किस नंबर के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो 15th तो जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और 14th राष्ट्रपति, और 13th उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला देखते हैं न्यायिक प्रमुख की बात। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में, हर एग्जाम में जो देखने को मिलता है वो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक जगह क्वेश्चन जो मिला देखने को वो था कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई, वो किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वो है 46th नंबर के। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है फिर से। ओके, उसके अलावा अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी कौन है? वो है KK वेणुगोपाल, अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर किसी को महान्यायवादी याद नहीं रहता है तो इंग्लिश में बोला जाता है अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करते हैं सोलिसिटर जनरल, या जिसे कहते हैं महाधिवक्ता, वो कौन है? तुषार मेहता, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उसके अलावा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। ओके, आदर्श कुमार गोयल हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। ओके, अगला है संसदीय प्रमुख। देखते हैं, देखिए राज्यसभा की तो अभी चेंज नहीं हुई है, वही है सब, कि सभापति कौन, राज्यसभा का कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो श्री एम वेंकैया नायडू जो है इसके सभापति। उपसभापति की बात करें तो वो है हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव कौन है राज्यसभा के? देश दीपक वर्मा। और नेता विपक्ष में कौन है राज्यसभा में? गुलाम नबी आजाद। और सत्ता पक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में? अरुण जेटली। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अध्यक्ष लोकसभा की। तो अभी जो चुनाव हुए हैं उसके बाद की अगर बात करें तो पहले कौन थे? सुमित्रा महाजन थी लोकसभा की अध्यक्ष, लेकिन अब नए जो बनी है अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला जो है वो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं लोकसभा के, जो 70वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद। ये भी इंपॉर्टेंट है किसके जो है चुनाव हुए थे, भी 17th लोकसभा के चुनाव हुए थे। ओके, तो अब जो चलेगी लोकसभा वो कौन सी है? 17वीं लोकसभा है। उसके अलावा उपाध्यक्ष देखते हैं। देखिए अध्यक्ष कौन हो गए? ओम बिरला हो गए। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है इसके एम थम्बी दुराई। एम थम्बी दुराई जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। ओके, फिर बात करते हैं कि महासचिव कौन है लोकसभा की, ये पहली महिला महासचिव हैं, तो वो कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। नेता कौन है सत्ता पक्ष का लोकसभा में? श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर। ओके, उसके बाद बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से? 23 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। फिर चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा और अशोक लवासा। उप चुनाव आयुक्त है चंद्रभूषण कुमार। ओके, फिर बात करते हैं कैग की, कैग भी पूछा जाता है, तो कैग कौन है? यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन है? राजीव महर्षि। किस नंबर के हैं? 13th के। ठीक है, 13वें कैग यानी कि 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि।
उसके बाद बात करते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो सबको पता है कौन होते हैं राष्ट्रपति, जो कौन है अभी रामनाथ कोविंद। वायु सेना अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ जो है वो वायु सेना अध्यक्ष है। नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेना अध्यक्ष कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत। और महानिदेशक सैन्य संचालन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो वायु के याद रखिए बीएस धनोआ, नौसेना के करमबीर सिंह और थल सेना के विपिन रावत। और महानिदेशक कौन है सैन्य संचालन के, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, आगे बात करते हैं सचिव एवं सलाहकार, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव कौन है, प्रदीप कुमार सिन्हा। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के जो सचिव है कौन है, भास्कर खुलबे। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के नरपेंद्र मिश्र। रक्षा वित्त सचिव कौन है, गार्गी कौल। विदेश सचिव विजय केशव गोखले। गृह सचिव राजीव गाबा। ओके, उसके बाद बात करते हैं वित्त सचिव की, तो वित्त सचिव है सुभाष चंद्र गर्ग। रक्षा सचिव है संजय मित्रा। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट है इसमें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, आर एन रवि। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के विजय राघवन, ये भी इंपोर्टेंट है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार की कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ओके, इनके जो आप स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकते हैं, ताकि आपके पास जो है सेव हो जाए डाटा, कि जब आप मतलब रिविजन करें दोबारा, तो आपको बार बार जो है वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है, आगे देखिए, फिर देखते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। तो ये देखिए जांच संगठन जो एजेंसियां होती है हमारी, उनसे के जो है वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी के सचिव कौन है, अनिंदो मजूमदार। फिर है सतर्कता आयुक्त या केंद्रीय सतर्कता आयोग, शरद कुमार वी टी एम भसीन। फिर है सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो सीबीआई का तो आपको पता है पूछा जाता है, आईबी का पूछा जाता है, रो का पूछा जाता है, तो ये तीन चार जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता सबका होना चाहिए। तो सीबीआई की अगर बात करें तो कौन है इसके निदेशक, ऋषि कुमार शुक्ला है। ओके, ये दिया नहीं हुआ इसमें भी। मुख्य सूचना आयुक्त की अगर बात करें तो कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त है सुधीर भार्गव। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है, राजीव जैन। रॉ के कौन है निदेशक यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनिल धस्माना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि रॉ के जो है निदेशक कौन है, अनिल धस्माना। ओके, फिर महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन है, योगेंद्र चंद्र मोदी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अंतरिम निदेशक कौन है, संजय कुमार मिश्रा। ओके, आगे बात करते हैं अर्ध सैनिक बलों के प्रमुख, बीएसएफ वगैरह जो होती है, सीआरपीएफ हुई, एनएसजी हुई, इनके कौन कौन है। सबसे पहले बात करते हैं एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है, कुमार राजेश चंद्र। बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के कौन है महानिदेशक, रजनीकांत मिश्रा। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, राजीव राय भटनागर। सीआईएसएफ के महानिदेशक है राजेश रंजन। और एनएसजी के महानिदेशक कौन है, सुदीप लखटकिया। उसके बाद एसपीजी के निदेशक दिए हुए हैं अरुण कुमार सिन्हा। महानिदेशक दिए हैं आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के एसएस देशवाल। एनसीसी के महानिदेशक कौन है, नेशनल कैडेट कोर यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर है ना, राजीव चोपड़ा। फिर आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल, राजेंद्र सिंह है महानिदेशक। एनडीआरएफ के जो महानिदेशक है कौन है, राष्ट्रीय आपातकाल आपदा प्रतिक्रिया बल, इसकी कौन है, संजय कुमार। फिर आरपीएफ इंपोर्टेंट है ये, रेलवे सुरक्षा बल, इसके महानिदेशक कौन है, अरुण कुमार। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। उसके अलावा एआर असम राइफल के महानिदेशक कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान। ओके, और होम गार्ड के महानिदेशक कौन है, आरआर वर्मा। ठीक, आगे बात करते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं वित्त सचिव। अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। सीईओ कौन है नीति आयोग के, अमिताभ कांत। उसके बाद बात करते हैं अध्यक्ष पूछे गए जाए संघ लोक सेवा आयोग के कौन है, अरविंद सक्सेना। फिर है अध्यक्ष 21वें विधि आयोग के बलबीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष भगवान लाल साहनी। और कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, असीम खुराना। तो जैसे जो इंपोर्टेंट है वो राष्ट्रीय महिला आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ, ये तीनों चीज इंपोर्टेंट है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग पूछा जाता है, पिछड़ा वर्ग आयोग पूछा जाता है, तो ये दो भी इंपोर्टेंट है, बाकी आप सब याद रख सकते हैं क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, आगे देखिए 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अशोक कुमार माथुर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष
एन के सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार गुप्ता। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग के नंद कुमार सायोग सॉरी नंद कुमार साई और जनजाति की जगह अगर जाति आयोग पूछा जाए तो रामशंकर कठेरिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये इंपॉर्टेंट है, एच एल दत्तू, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एच एल दत्तू। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कौन है? सैयद घयारुल हसन रिजवी। ओके, उसके अलावा बात करते हैं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बना था आंध्र प्रदेश में, जो नई कोर्ट बनी थी उससे रिलेटेड जो है पूछे जा सकते हैं कि वहां पर जो है कौन बना था पहला वो। ठीक, तो अभी देख लेते हैं औरों के भी। जैसे इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो कौन है? गोविंद माथुर। बंबई के मुख्य न्यायाधीश कौन है उच्च न्यायालय का? प्रदीप नंद नंदरा जोग। कलकत्ता का है TBN राधा कृष्णन। दिल्ली का DN पटेल। गुवाहाटी के कौन है? AS बोपन्ना। गुजरात के अनंत कुमार सुरेंद्र राय दवे। हिमाचल प्रदेश के सूर्यकांत। जम्मू कश्मीर के गीता मित्तल। कर्नाटक की कौन है न्यायाधीश? अभय श्रीनिवास। केरल के श्री ऋषिकेश रॉय। मध्य प्रदेश के अकिल कुरैशी। मद्रास के विजय के तहिल मानी। ओडिशा के कल्पेश सत्येंद्र झावेरी। उत्तराखंड का रमेश रंगनाथन। पटना का अमरेश्वर प्रताप शाही। पंजाब और हरियाणा का कृष्ण मुरारी। देखिए हरियाणा का पेपर है तो कृष्ण मुरारी जरूर पूछा जा सकता है कि कौन है उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय या हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? कृष्ण मुरारी। ओके, राजस्थान का कौन है? मोहम्मद रफीक। सिक्किम का विजय कुमार बिष्ट। झारखंड का अनिरुद्ध बोस। और जो अभी तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दोनों इंपॉर्टेंट। तेलंगाना का कौन है? TBN राधा कृष्ण। और आंध्र प्रदेश का जो पहला मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में नई कोर्ट बनी है तो उसका पहला मुख्य न्यायाधीश ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, तो वो है विक्रम नाथ। और साथ साथ तेलंगाना का भी इंपॉर्टेंट है TBN राधा कृष्णन। ओके, छत्तीसगढ़ का कौन है? PR रामचंद्र मीनन। त्रिपुरा का संजय करोल। मेघालय का मोहम्मद याकूब मीर। और मणिपुर का रामलिंगम सुधाकर। ओके, देखिए याद तो सारे रखने हैं लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हरियाणा का पूछा जा सकता है यहाँ से और एक पूछ सकते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। ठीक है, बाकी याद सभी होने चाहिए। ओके, ऐसा कोई नहीं है कि जिसे हम छोड़ सकें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में वही होता है जो हम छोड़ के जाते हैं वही पेपर में सबसे पहले मिलता है हमें देखने को। ठीक है, तो ये था करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एक क्वेश्चन जो आपको जरूर देखने को मिलेगा पेपर में, इस बात की गारंटी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हो गई हमारी नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, आपको पता है लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो अलग अलग उनमें बांटा गया है कि क्योंकि सारी चीजें चेंज हो गई है, पहले गृह मंत्री कोई और था तो वो चीजें देखेंगे कि कौन क्या बना है। ओके, थैंक यू सो मच।